हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन योर यूट्यूब चैनल श्याम व्लॉग। एंड आज मैं आपके सामने अतर का रिव्यू करूंगा और काफ़ी फेमस अतर है ये, और एक बड़ी ब्रांड का क्लोन है या फिर उसका कॉपी है। वो है फ्रेंड्स टॉम फूड का टक्सन लेदर, ठीक है। और मेरे पास दो टक्सन लेदर हैं डिफरेंट सेलर के, ठीक है। एक जो अतर है ये लूज़ में है, ठीक है, ये लूज में है और मार्केट से, लोकल मार्केट से आप बिना कोई ब्रांड का लाते हैं तो वो है। और एक मेरे पास है जो कि मैंने एक बढ़िया ब्रांड से मंगाया था, जिसका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है टक्सन लेदर, ठीक है। ये फ्रेंड्स हमें मिलता है अल नकी फ्रेग्रेंस से। अब आपने अगर पहली बार नाम सुना होगा अल नकी फ्रेग्रेंस का, तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ डिटेल में। अल नकी फ्रेग्रेंस के को फाउंडर हैं मोहम्मद सलीम अतरवाला जी, एंड इनके नंबर आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहे होंगे नीचे। और साथ में अल नकी जो ब्रांड है फ्रेंड्स, लगभग 15 से 20 सालों से ओमान जो कंट्री है, यानी अरबियन जो कंट्री है, अरब देश जो है, वहाँ पे इनका ये बिजनेस सेटअप है। और इंडिया में भी इनका बिजनेस सेटअप है जो कि कर्नाटका में है। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ओरिजिनल जो अतर आते हैं वो ये सेल करते हैं। और मैं क्या बताऊं, जैसे अरबियन जो अरब के जो परफ्यूम्स होते हैं या फिर अतर होते हैं, उनका जो टेस्ट होता है या खुशबू होती है वो काफ़ी अलग होती है इंडिया से, कंपेयर टू इंडियन, ठीक है, ये आप मान के चलो। और आपने अगर जैसे इंडियन जो अतर होते हैं बहुत सारे वो ट्राई कर चुके हो, आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे अब कोई अरब कंट्री का कोई ट्राई करना है जो कि यहाँ पे नहीं मिलता हो या फिर बहुत कॉस्टली हो, ठीक है, तो आप नहीं परचेज कर पाते हो, तो उसके लिए आपको बेस्ट ब्रांड में आपको बता देता हूँ अल नकी। इनके मैंने 1 से 1.5 महीने पहले कुछ अतर और बखरूड्स को परचेज किया था, और उनके बारे में मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि नॉर्मली मेरी तबीयत खराब थी तो मैं स्मेल नहीं कर सकता था। तो अभी सब कुछ ठीक हो गया है, अब कंटिन्यू आपको 7 डेज काफ़ी अतर्स के रिव्यू मिलेंगे काफ़ी ब्रांड्स के, तो आप चैनल के साथ बने रहें, ठीक है। तो ओमान में जो अरबियन जो कंट्रीज के जो अतर होते हैं उनकी स्मेल कैसी होती है उनको जानने के लिए आप कंटिन्यू वीडियो देखें। रोज़ कुछ ना कुछ वीडियो लाऊंगा मैं और आपको इसमें बताऊंगा कि अल नकी ब्रांड के जो अतर्स होते हैं वो किस तरीके के हैं, और जो क्वालिटी वाइज भी आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा कम दामों में, ठीक है। तो चलिए अभी मैं अल नकी ब्रांड के बारे में बता देता हूँ और टेस्ट करते हैं। कलर आप देख लीजिए इसका, ठीक है, और लिक्विड की जो थिकनेस है वो भी आप देख लीजिए, ठीक है, थिकनेस ठीक है, ज़्यादा ना पतला है ना गाढ़ा है, और टक्सन लेदर इसी तरह ही आता है। तो यहाँ पे मैं इनको टेस्ट कर लेता हूँ, आप ये देखिए, ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। तो मैं इसकी खुशबू इस्तेमाल करता हूँ, वाह फ्रेंड्स, इसकी जो स्मेल है आपको सबसे पहले कैसी मिलेगी, यानी आप वीडियोस के माध्यम से कैसे इसको समझ सकते हैं वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो आपने टर्मरिक यानी हल्दी जो होती है, हल्दी देखी होगी, खाई भी होगी, सब खाते हैं, तो जो सूखी हल्दी होती है उसको जब हम चक्की में पीसते हैं तो वो गरम गरम हल्दी जब निकलती है उसकी जो खुशबू होती है, महक होती है, वो महक आपको इसमें मिलेगा टक्सन लेदर में। तो बेसिकली जितने भी टक्सन लेदर हैं मार्केट में आपको मिल रहे हैं उन सभी में ये जो स्टार्टिंग की जो स्मेल है वो आपको मिलेगी। साथ में इसके साथ में आपको जैसे हल्दी में, गरम गरम हल्दी में नींबू मिला के उसके साथ जो उसका खट्टापन का जो फ्लेवर आता है वो आपको इसमें मिलेगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि उसके अंदर सिट्रस है या फिर लेमनी जैसा टोंड है, तो वो नहीं है इसमें। आपको रेसबेरी का जो नोट होता है वो मिलेगा, फोटो आप देख सकते हैं। एंड इसके साथ में मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि आपको इसके बाद में क्या स्मेल आएगी इसके अंदर।
तो एक होता है फ्रेंड्स लोभान, ठीक है। लोभान आप नाम सुना होगा, अपने घरों में काफी ज्यादा लोभान करते हैं ताकि उसकी जो चारों तरफ धुआं धुआं टाइप का अजीब सी अच्छी टाइप की खुशबू होती है जो काफी पसंद आती है। और इसका फ्रेंड्स इंग्लिश नेम इसको ओली बैनम कहते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद में हमें इसमें थोड़ा स्पाइसी नोट मिलेगा मिड में, ठीक है ना। टॉप नोट तो रेस्बेरी है और लोबान की जो खुशबू है वो मिलेगी, उसके साथ हल्की सी वुडीनेस लोबान की एंड उसके साथ सेफ्रोन की हमें खुशबू मिलेगी। एंड साथ में जो अंबर होता है, अंबर ठीक है ना, आप अंबर का जो अतर देखेंगे उसमें भी आपको हल्का सा रेडीनेस और येल्लोनेस कलर मिलेगा, तो उसकी वजह से भी इसका जो कलर है येल्लो हो चुका है। एंड आपको इसके अंदर लेदर का वुडी नोट्स और स्मोकी वो मिलेगा। लोबान की वजह से स्मोकी नोट्स हो जाता है और लेदर का, इसमें आपको लेदर वो मतलब ज़्यादा हार्ड टाइप का लेदर नहीं मिलेगा, वाइट लेदर का जो टोन्ड होता है वो मिलेगा, जिससे इसकी खुशबू जो है हल्की सी बिटर हो जाती है, यानी कड़वी टाइप की हो जाती है, पर वो अच्छी लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि कड़वी का मतलब बुरा होता है, कड़वी का मतलब जो पसंद आए खुशबू आपके बॉडी के साथ रिएक्शन करके उस खुशबू को और ज़्यादा एनहेंस करे, ठीक है, और ज़्यादा अच्छा बनाए, तो वो खुशबू आपको इसमें मिलेगी। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले रेसबेरी, लोबहान, केसर के साथ स्पाइसीनेस हल्का सा मिड में आएगा, ठीक है, मिड नोट में केसर में बीच में रहेगा, और लेदर, अंबर और वुडी और स्मोकी नोट्स ये इसके अंदर मिलेंगे। और इसमें दो नोट्स और हैं जो, सॉरी तीन नोट्स और हैं जो टॉम फूड का जो अतर सॉरी परफ्यूम आता है उसमें आपको एक तो जैस्मिन का नोट मिलेगा, ठीक है, और ओमरी का जो भी नोट्स मिलेगा, पर वो इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि 100% क्लोन किसी का नहीं बना सकते हम, तो लमसम आपको 90% जो है टक्सन लेदर टॉम फूड का उसका क्लोन आपको इसमें मिल जाएगा, और काफी अच्छी खुशबू है फ्रेंड्स, मैं पर्सनली यूज करता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब मैं बताना चाहूंगा कि अल्लकी के टक्सन लेदर के अतर को कौन कौन यूज कर सकता है, कितनी एज तक के पर्सन इसको यूज कर सकते हैं। तो 23 साल से लेकर 60-70 ईयर के पर्सन इसको यूज कर सकते हैं, और ये मेल यानी ओनली मेल पर्सन यूज कर सकते हैं, फीमेल इसको यूज नहीं कर सकती, क्योंकि इसके अंदर लेदर का नोट है, स्मोकीनेस है और थोड़ा स्पाइसी नोट्स है, तो उसकी वजह से पसंद नहीं आएगा ये, तो मेल्स जो हैं उनके लिए काफ़ी ये अच्छा रहेगा। और पर्सनली मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप अगर बिजनेसमैन हैं और ऑफिस में बैठते हैं तो मे बी ट्राई दिस, आपको टक्सन लेदर जरूर पसंद आएगा। मेनली जो इसमें फ्रेग्रेंस है वो आपको इसमें जरूर मिलेगी, और रोमांटिक फ्रेग्रेंस भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपन को जो अंबर का नोट मिला है, साथ में लेदरी है वाइट, और केसर का स्पाइसीनेस है, उसकी उसकी वजह से काफ़ी अच्छा नोट हो जाता है, खुशबू अच्छी हो जाती है इसकी, तो आपको इसको जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए। ये मेरी फेवरेट जो अतर हैं उनमें ये लिस्टेड है, यानी उसमें अब ये इसको मैंने ऐड कर दिया है, तो मैं जरूर रिकमेंडेड करूँगा कि आप टक्सन लेदर जो है अलनकी ब्रांड का वो जरूर परचेज करें। बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अमेजॉन फ्लिपकार्ट का भी लिंक मिल जाएगा, एंड ऑनलाइन वेबसाइट है अलनकी ब्रांड की, वो भी आपको वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं। और इस ब्रांड के मैं अभी और काफ़ी और वीडियो लाऊंगा जिससे आप इसको और ज़्यादा समझ पाएंगे कि इस ब्रांड में अतर किस टाइप के आते हैं और नेचर कैसा है, लॉन्गेबिलिटी और जो प्रोजेक्शन है वो भी मैं बताना भूल गया, सॉरी। तो जो इसकी जो प्रोजेक्शन है, आपको प्रोजेक्शन यानी चारों तरफ इसकी खुशबू है आपके चारों तरफ कितनी मतलब मीटर तक रहेगी, तो 1 मीटर तक इसकी स्मेल रहेगी। ये ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा लगा लो तो पूरा फैल जाएगा, ऐसा नहीं है, ये आपके इर्द गिर्द घूमता रहेगा, ठीक है, कंटिन्यू आपको स्मेल आती रहेगी।
आपको नेक के पास, गर्दन के पास और बाजुओं के पास लगानी पड़ेगी। आर्मपिट में नहीं लगाएं, क्योंकि अत्तर को आर्मपिट पे नहीं लगाते हैं, हाथों के यहाँ पे नब्स पे आप लगा सकते हैं। एंड जो ये कितने घंटे तक चलेगा, यानी जो इसकी लॉन्गिविटी है, वो आपको फ्रेंड्स 8 से 9 घंटे तक मिलेगी। अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको लगभग 7 घंटे आप मान के चलो धूप में। सर्दियों में ये ज़्यादा चलेगा, मैं स्पेशल कह रहा हूँ, सर्दियों में ये आपको 12 से 13 घंटा बाहर मार्केट में घूमोगे तो चलेगा ज़्यादा, और घर में रहोगे तो 24 घंटे, सर्दी गर्मी में 24 घंटे तक ज़्यादा स्मेल देगा। पर इसकी जो खुशबू है वो मीडियम है, ऐसा नहीं कि लगाते ही किसी को चुभ रहा है नाक, मेरे यार ये क्या लगा लिया, पूरा कमरा को भर दिया बदबू टाइप, मतलब वो खुशबू भी बेकार होने लग जाती है, वो वैसा नहीं है ये, ठीक है। तो ये वैसा नहीं है, इसकी जो प्रोजेक्शन है लाइट में है और भीनी भीनी आपको स्मेल देता रहेगा। तो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड वंदे मातरम।